प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेड दिवस मौके फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश विच लोकां नूं सेहत प्रति जागरूक करना है। सरकार इस नूं स्वच्छता मुहिम दी तर्ज उत्ते अग्गे वधाएगी। दस दिए कि देश दे विच हर साल 29 अगस्त नूं खेड दिवस वजो मनाया जांदा है। इस दिन नूं हाकी दे जादूगर ध्यान चंद दे जीवन दिवस दे तौर ते भी मनाया जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली दे इंदिरा गांधी स्टेडियम विच आयोजित किए जाने वाले प्रोग्राम तों कीती। मुहिम की शुरुआत करन तों बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अज दे दिन सानू मेजर ध्यान चंद दे रूप दे विच स्पोर्ट्स पर्सन मिले सन। पूरा देश अज उन्हां नूं श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्हां कहा कि फिट इंडिया मुहिम दे जरिए सेहतमंद भारत वल पैर पुट दिता गया है। भारत दे हर नागरिक नूं फिट करना सरकार दा टीचा है। फिट इंडिया अभियान नूं सफल बनाउण दे लई केंद्र सरकार ने अद्धा दर्जन तों ज्यादा विभाग आपसी तालमेल नाल काम करनगे। इन्हां विच खेड विभाग, पंचायत राज ते पेंडू विकास वर्गे विभाग शामिल हन। इह विभाग अपने अपने पद्धर उत्ते प्रोग्रामां दी रूपरेखा तैयार कर रहे हन। इस मुहिम दे विच खेड उद्योग, राजनीति अते फिल्मी जगत समेत हर खेतर नाल जुड़ियां वड्डियां हस्तियां नूं शामिल कीता जावेगा। हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्ट्रीक से दुनिया को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन फिट इंडिया मूवमेंट ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए एक हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और इस कंसेप्ट से मूवमेंट के लिए मैं खेल मंत्रालय को, युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है। अगर आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है। सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा। आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा, बहुत पॉपुलर होते हैं और दिन में 10-10, 12-12 घंटे अनेक पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं। बहुत से उद्यमी सुबह एक मीटिंग एक शहर में करते हैं, दूसरी मीटिंग दूसरे शहर में करते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, उतनी ही अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने प्रोफेशन में एफिशिएंसी लानी है तो मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। चाहे बॉर्डरूम हो या फिर बॉलीवुड, जो फिट है वो आसमान छूता है। बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। साथियों, जब फिटनेस की तरफ हम ध्यान देते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमें अपनी बॉडी को भी समझने का मौका मिलता है। फिटनेस को एक उत्सव के रूप में, जीवन के एक हिस्से के रूप में, परिवार के सफलता के जितने भी मानक हो उसमें फिटनेस भी एक परिवार की सफलता का मानक होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए।
अगर इन भावों को लेकर के हम चलते हैं और राज्य सरकारें हो, मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने, इसे देश के दूरदराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए, अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह फिट इंडिया मूवमेंट को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आइए आप आज ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि आप खुद भी फिट रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और जिनको भी आप जानते हैं उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं फिट तो इंडिया फिट, इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभियान के लिए देशवासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और समाज के हर तबके में नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आइए, इस मूवमेंट को बल दीजिए, समाज के स्वस्थ होने में आप भी हिस्सेदार बनिए। इसी एक अपेक्षा के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट अजीत वेब टीवी, वधेरे खबरां दे लई तुसी बने रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।